लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। प्रदेश भर के स्वयं सेवी होमगार्ड सैनिकों के सामने रोजगार का संकट आ गया है। एक ओर तो मध्य प्रदेश में इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है, तो दूसरी ओर सरकार ने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी होमगार्ड के सैनिकों का कॉल ऑफ कर दिया है। उसी बीच प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा का भी बयान सामने आया है। शर्मा ने प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार होमगार्ड सैनिकों का कॉल ऑफ ना करे और उनकी सेवाएं निरंतर जारी रखी जाए। मालूम हो कि होमगार्ड नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन मुख्यालय ने 22 जनवरी को एक आदेश जारी किया था, जिसमें साल 2016 में सिंहस्थ भर्ती में नियुक्त किए गए स्वयंसेवी होमगार्ड सैनिकों को साल में 10 महीने कॉल आउट ड्यूटी पर रखा जाएगा, यानी ये 10 महीने सेवाएं देंगे और 2 महीने खाली बैठेंगे। इन 2 महीनों में इन्हें वेतन भी नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। ये सब चीज़ें फेल इसलिए हो रही है कि जैसा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा था कि सभी गरीबों, चाहे वो छोटे दुकानदार हों, मजदूर हों, ठेला पे काम करने वाले हों, इन सबको 7,500 रुपये दें, उनको राशन दे दें फ्री, तो ये चरमराता नहीं। एक हफ्ते पहले अगर ये बता दिया जाता कि लॉकडाउन है, तो लोग जो आने जाने की अफरा तफरी है वो नहीं होती, लोग राशन और सब चीज़ें अपने यहाँ रख लेते हैं। ये सब पूरा प्रशासन का फेलियर हुआ है, शासन का फेलियर हुआ है, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। दूसरी तरफ आप होमगार्ड को भी कॉल ऑफ कर रहे हैं, भाई आपको कॉल ऑफ कर देंगे इस समय तो कॉल ऑफ। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं शिवराज जी कि फैक्ट्रियों के मजदूरों को लगातार पेमेंट मिले, किराएदार से किराया वसूल न की जाए, फिर आप होमगार्ड को कॉल ऑफ कैसे कर सकते हैं? उनको भी लगातार, क्योंकि उनको भी सब चीज़ों की ज़रूरत है, उनको कॉल ऑफ नहीं किया जाए। और 1 तारीख को जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं, इनकी पेमेंट चाहे वो नगर निगम के हैं, वो सबको भुगतान कर देना चाहिए, जिससे अव्यवस्था और न फैले। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।